हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो नए दिन के साथ नया व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी, आज का व्लॉग है, आज बहुत ज़्यादा सफाई का काम है क्योंकि रात को हुई है बारिश, काफ़ी ज़्यादा आंधी आई जिसकी वजह से हर चीज़ मिट्टी से भरी हुई है। तो आज हम लोग करेंगे सारी सफाई, फ्रिज साफ़ करेंगे। फ्रिज पे बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गई है, अंदर जो है वो भी बहुत गंदी फ्रिज है। तो मैंने कहा आज सफाई भी करते हैं, फ्रिज साफ़ करते हैं, बाकी सारी रूटीन के काम जो है वो आपसे करेंगे शेयर। तो करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, आंधी ने, बारिश ने काफ़ी घर जो है वो गंदा कर दिया है। मेरी फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा डस्ट से भरी हुई है। ये देखें, ये देखिए कितनी मिट्टी है, क्योंकि बाहर पड़ी हुई है ना, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डस्ट जो है इस पर आ जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितनी मिट्टी, ये देखिए मिट्टी है, बंद है, लेकिन फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से चली गई जी। बहुत ही ज्यादा घर जो है वो गंदा हुआ है। तो हम लोग करते हैं सफाई स्टार्ट और साथ साथ आपसे करते हैं बातें। ये देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा जो है फ्रिज मेरी गंदी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा आज इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूं। निकल रहा इसे, इसके साथ मैं जोर अफजाई नहीं करूंगी, नुकसान ना हो। इतनी गंदी मक्खी है कि मेरे फ्रिज के अंदर भी एक मक्खी बनी हुई है। इसमें अंडे हैं तो इसको मैं रहने देती हूँ। चलिए फ्रिज में साफ करके तो फिर धोती हूँ। सेम मैंने कहा जो भी पानी वानी गिरता है इधर ही गिरता है। ये सारी चीजें मैंने जो है वो वॉश करके रख दी हैं, यहाँ पे ड्राई हो जाती हैं, फिर मैं दोबारा फ्रिज में जो है इसको वापस लगा दूंगी। तब ये थोड़ा सा है जो Thank you.
बहुत ही ज्यादा मिट्टी थी, काफी ज्यादा कचरा फैला हुआ था। अरे आज उसको धोना नहीं था सीन, तो मैंने कहा काफी ज्यादा गंदा हुआ। फिर बाकी का सामान जो है वो फ्रिज में जो भी मैंने निकाला वो जल्दी से मैं रख दूँ, कोई चीज़ खराब ना हो जाए। आटा वगैरह मैंने भाई रखा है, वो तो अभी मैंने गूंदा है, इसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तेल बाकी चीज़ें भी है जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो ना खराब हो जाए। तो भाई भाई जल्दी मेरी कमर में पेन है इसलिए मैं बैठ के नहीं लगा रही। तो जी व्यूअर्स, बाकी के सारे काम हो गए हैं और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। किचन फ्रिज से सारा सामान जो है मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था, अब मैं उनको लगाऊंगी दोबारा फ्रिज में। फ्रिज हो गई है ड्राई, उसको कर दिया है मैंने चालू, चालू मीन्स के उसको ऑन कर दिया है। और बाकी जो है वो साथ साथ काम होते रहेंगे, इससे पहले कि राज आकर गुस्सा करें मैं उनके कपड़े प्रेस कर लूं, क्योंकि वो मुझे कह के गए थे कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना। तो काम तो आपको पता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो पहले मैं कपड़े प्रेस कर लूं, उसके बाद जो है दोबारा आपसे करती हूं बात और करते हैं साथ साथ किचन साफ, इससे पहले मैं कपड़े प्रेस कर लूं। जी जनाब, काम हो गए हैं सारे ख़त्म, तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें और जी बेल ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।